जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवी वाटर बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की इसमें भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी है वो 35,400 प्लस होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2/8/2021 है। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे और आपको इसमें आपका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये भारी पानी बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपको रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत आपको ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 2/8/2021 है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका पद का नाम या पोस्ट नेम रहेगा वो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का है और इसमें जो आपका वेतन है वो 35,400 रुपये प्लस महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 6 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी हिंदी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आयु आपकी एज लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी न्यूनतम एज लिमिट है वो 18 वर्ष होगी और इसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 साल तक एज लिमिट दी गई है और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 33 वर्ष तक इसमें एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके चयन का तरीका, आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। तो इसमें आपके जो हैं 2 प्रकार के एग्ज़ाम लिखित परीक्षाएँ होगी, जिसमें आपकी जो पहली परीक्षा है उसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य बुद्धिमत्ता है तर्क शक्ति, और फोर्थ है संख्यात्मक अभिरुचि के। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 2 घंटे में पूरे करने होंगे। और दोस्तों, इसमें जो आपका न्यूनतम परसेंटेज रहेगी वो 40% आपके न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी दूसरी परीक्षा होगी उसमें आपका हिंदी से अंग्रेजी में अनुच्छेद का अनुवाद होगा 25 अंक का, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद अनुच्छेद का अनुवाद 25 अंक का होगा। इसके बाद आपका हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद 15 अंक का होगा और अंग्रेजी से हिंदी में वाक्यों का अनुवाद 15 अंक का होगा। अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी में समानार्थी पर्याय आपके 10 अंक के होंगे और हिंदी शब्द हेतु अंग्रेजी में समानार्थी पर्याय आपके 10 अंक के होंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। तो दोस्तों, इसके आधार पर जो है आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपका कार्य रहेगा उसमें अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना रहेगा और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य कोई कार्य करना है, इसमें आपको कार्य होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आप इसे कैसे अप्लाई करोगे। तो इसके लिए दोस्तों, इसकी जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपको फॉर्म दिया गया है वो आपने भरना है। तो दोस्तों, इसमें आपने आवेदन पत्र विज्ञापन में निर्धारित परफॉर्मा में अच्छी किस्म के सफ़ेद A4 आकार के कोरे कागज़ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र पठनीय हो, और यह बेहतर होगा कि आवेदन अंग्रेजी अथवा हिंदी में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र हिंदी में भरे जाने पर भी अभ्यर्थी का नाम, पिन कोड सहित जन्मतिथि अंग्रेजी में बोल्ड कैपिटल लेटर में पठनीय रूप में लिखा होना चाहिए और आवेदन पत्र तथा बाहरी लिफाफे पर विज्ञापन संख्या आपने डालनी है के अधीन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए आवेदन पत्र, ये आपका जो इनवेल्प होगा उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी वो आवेदन के ऊपरी दाएँ कोने पर पासपोर्ट आकार की सफ़ेद बैकग्राउंड, जो आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, वो आपने इसके ऊपर फ़ोटो लगानी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपने डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद जन्मतिथि का प्रमाण पत्र होगा और आवेदन पत्र के साथ किए गए
कार्य का स्वरूप बताते हुए अनुभव प्रमाण पत्र संकलन होना चाहिए और अभ्यर्थी के एससी एसटी ओबीसी होने के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र जो आपका जारी प्रमाण पत्र होगा वो आपको साथ में लगाना होगा और बेंचमार्क विकलांग के संबंध में उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होगा और सैन्य सेवा से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र और स्नातक स्नातकोत्तर की शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी वो आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो दोस्तों जो इसका फॉर्म है वो आपने इस एड्रेस पर भेजना है, इसमें आपको एड्रेस दिया गया है, सहायक कार्मिक अधिकारी भर्ती भारी पानी बोर्ड विक्रम साराभाई भवन चौथी मंजिल अणुशक्ति नगर मुंबई 40094 पर आपने इसका फॉर्म भेजना है। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hwb.gov.in पर जाकर भी आप जो है इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसका आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो आपका आवेदन का फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें आपने यहाँ पर जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लगाना है। तो दोस्तों बाकी आप जो है इस फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म को अप्लाई करें, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोटिफिकेशन दी गई है, आप चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं या आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।